मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्यारे मित्रों, हम और आप आज ऐसे विषय की ओर चलें जिस विषय को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों में भी 6 नक्षत्र इस तरह के होते हैं जिन नक्षत्रों में, ऐसे नक्षत्रों में पैदा होने वाला जातक, जन्म लेने वाला जातक गंडमूल के आधार पर लाभ और हानियां प्राप्त करता है। स्वतः को हानियां होती हैं, परिवार के सदस्यों को हानियां होती हैं, माता पिता को भी हानियां होती हैं, यहाँ तक कि बड़े भाई छोटे भाई को भी हानियां होती हैं। तो ऐसे कौन से वह नक्षत्र हैं जिन 6 नक्षत्रों में जन्म लेने से गंडमूल कहा जाता है? गंडमूल नक्षत्रों में जातक का जन्म होना शुभ नहीं माना जाता है, ऐसा कहा जाता है इस बालक का जन्म गंडमूल नक्षत्रों में हुआ है, अतएव उन नक्षत्रों की शांति जरूर करानी चाहिए। अगर नहीं कराते हैं गंडमूल नक्षत्रों की शांति तो जीवन में रुक जाती है प्रगति, माता पिता हो जाते हैं कष्टहीन, कष्टमय हो जाते हैं, माता पिता के जीवन में होने लगता है धन की कमी, परिवार के सदस्य हो जाते हैं परेशान। कब और कैसे करने चाहिए गंडमूल की शांति? सबसे पहले हम आपको बताएं, किसी भी गंडमूल नक्षत्र में जब जातक का जन्म होता है तो जन्म होने पर अशुभ फल कारक स्थिति बनती है, जिससे समय में भिन्नता के अनुसार अनेक अनेक फल प्राप्त होते हैं, अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए उन अशुभता को दूर करने के लिए गंडमूल का पूजन, शांति करानी चाहिए। अब हम आपको बताएं कि गंडमूल के नक्षत्र कौन कौन से हैं। जो 27 नक्षत्र होते हैं उन्हीं 27 नक्षत्रों में ये जो 6 नक्षत्र हैं ये गंडमूल के हैं, अश्वनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र होते हैं जिनको हम गंडमूल कहते हैं, और इन 6 नक्षत्रों में जन्म लेने वाला जातक अपने परिवार के लिए अमंगल ही होता है। अतएव ऐसे अमंगल को दूर करने के लिए और इस गंडमूल के दोष को दूर करने के लिए, जैसे मान लीजिएगा अश्लेखा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ तो पुनः जब अश्लेखा नक्षत्र आएगा 27 दिन के बाद में, एक नक्षत्र एक दिन ही चलेगा, दूसरे दिन वह नक्षत्र बदल करके दूसरा नक्षत्र आएगा, तो जब जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है वही नक्षत्र जब दोबारा घूम करके आएगा तब जातक की गंडमूल की शांति 27 दिनों में करा लेनी चाहिए। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, बहुत से लोग अनभिज्ञ होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता कि गंडमूल होता क्या है। बालक का जन्म हुआ इसके बाद उनके जीवन में समस्याएं प्रारंभ हो गई, समस्याएं आने लगी, वो समझ नहीं पाते। जब बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पढ़ाई क्षेत्र में उसका दिमाग, उसका मन नहीं लगता, तब वह जातक अर्थात उस जातक के माता पिता ब्राह्मणों के पास जाते हैं, योग्य आचार्यों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। आचार्य बताते हैं कि इस बालक का आपने गंडमूल कराया? बोलते हैं इसका गंडमूल मुझे पता ही नहीं था, मैं कराता कैसे। तो जब भी आपको पता चले कि इस बालक का गंडमूल है उसी समय आप करा दीजिएगा, और जैसे ही गंडमूल आप कराएंगे, उनका पूजन कराएंगे, तो आपके बालक के अंदर जो भी निगेटिव था,
जो भी गलत था वह सब धीरे धीरे समाप्त हो करके पॉजिटिव अर्थात अच्छा होने लगेगा उसके जीवन में, उसके जीवन में सुंदर विचार आने लगेंगे और वह कष्टों से दूर हो जाएगा। तो गंडमूल का पूजन अवश्य कराना चाहिए, जब आपको पता चल जाए उस समय करा लेना चाहिए। जप करने के बाद में ही इसका पूजन पूर्ण रूपेण सफल होता है और ऐसा करना भी चाहिए। ऐसे होते हैं गंडमूल में जन्म लेने वाले जातकों का फल। इसी के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।